For the input given, Sri Vivek Tanka. धन्यवाद चेयरमैन साहब. आपने एक कश्मीरी पंडित को आज इस महत्वपूर्ण बिल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका इंडल्जेंस भी लूंगा कि मुझे दो चार मिनट एक्स्ट्रा. 9 मिनट्स, नो मोर देन दैट. सर गो अहेड. आज पहली बार मेरी माताजी जो 91 इयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माताजी जो 90 इयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेस नहीं सुनती थी, आज पहली बार वो टेलीविज़न पे लाइव सुन रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कश्मीर का है. ये सब्जेक्ट एक ऐसी जगह का है जिसको वो जन्नत समझती थी और समझती हैं, और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली परखा था, देखा था. और यही लगभग आज पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस पर्सन जो वहाँ नहीं है, वो इसी तरह कश्मीर को देखते हैं. मैं दो लाइन्स के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करूँगा. संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा. संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा, उन लफ्ज़ों में उभरा है सदा जहां मैं कश्मीर हमारा. से कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा. दिस वॉज आर बिलीफ सर. मैं आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है उस पर भी दो शब्द बोलना चाहूँगा. इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ वॉट वी ऑलवेज थॉट. हमारे ओपिनियन में, और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था, दिस इज अ ट्रांजिटरी प्रोविजन. इट्स अ टेम्प्रेरी प्रोविजन. इट विल स्टे एज द कॉन्स्टिट्यूशन, एज लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स. आज सुप्रीम कोर्ट ने वाइल अपहोल्डिंग द प्रोविजन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी टिप्पणी की है. कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जो स्टेटहुड उनसे नहीं लेना चाहिए था. यूनियन टेरिटरी बना के आपने उनकी स्टेटस कम की. और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए. एक प्रकार से मैं ये कश्मीर के लोगों की जीत के तौर से भी देखता हूँ. और इसके आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई भी परिवर्तन आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस परिवर्तन का खाली इंटरप्रिटेशन देता है. इट इज़ द पार्लियामेंट जो लोगों का भाग्य और जीवन डिसाइड करता है, एंड इट्स द पार्लियामेंट का लॉ जो लोगों का भाग्य जीवन को एक प्रकार से आगे एक रूपरेखा देता है. और मैं आज कहना चाहूँगा कि कुछ कश्मीरी महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जैसे पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बाल काक तिलक, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्रीधर जी धर, पंडित काशीनाथ कौल, पंडित निरंजन नाथ डांगरू और पंडित काशीनाथ छताबली. सर ये वो महापुरुष हैं. पंडित गोपी कृष्ण को करण सिंह साहब ने युग पुरुष बोला था. ही वॉज अ मिस्टिक फिलोसफर हु रिटन बुक्स, और जिन्होंने कश्मीर की, जो उनको कश्मीर की आत्मा बोला जाता था. और उन्होंने उन व्यक्ति ने जब सरदार पटेल साहब से और नेहरू जी से बात की तो जनरल थोमैया, दिस इज समथिंग विच इज ऑन द टेक्स्ट, ऑन दिस इज ऑटम ऑफ 1948. सरदार पटेल साहब से, नेहरू जी से बात की तो इन महापुरुषों जिनके मैंने नाम लिए, इनकी एक मीटिंग हुई. और उस मीटिंग में जनरल थोमैया को अपने 10-11 वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के साथ भेजा गया उनसे बात करने के लिए. दैट वॉज द टाइम जब कश्मीरी पंडितों को की बहुत पूछ परख थी, उनसे लोग वहाँ कंसल्ट किया जाता था और आगे की दूरदृष्टि के बारे में उनसे पूछा जाता था. उन लोगों की ओपिनियन थी उस वक्त कि हमारी फोर्सेस को मुजफ्फराबाद भेजा जाए. और उस वक्त इस ग्रुप को सरदार पटेल साहब और नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम अपने थिएटर को और फैला नहीं सकते, अब
आपको अब हमारी सैनिक की एक लिमिट, सैनिक कार्रवाई की लिमिटेशन है, और सर ये इसका मैं जो डिटेल्स है पटल में रख सकता हूँ, ये इट इज़ वेल रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह मुझे फारूक साहब ने एक चिट्ठी दी जो बाद में मैंने दुर्गादास कलेक्शन में देखा, जब पटेल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, दिस इज 4th June 1948 कि द मिलिट्री पोजिशन इज नॉन टू गुड, आई एम अफ्रेड आर मिलिट्री रिसोर्सेज आर स्ट्रेन्ड टू द अटरमोस्ट, हाउ लॉन्ग कैन वी कैरी ऑन दिस अनफॉर्चुनेट अफेयर, इट इज अ डिफिकल्ट फॉर टू फोरसी। और उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी थी कि हमको वीपी मेनन साहब को मैं भेज रहा हूँ और हम लोग कश्मीर की पोजीशन इम्प्रूव करेंगे, कश्मीर में महाराजा और शेख अब्दुल्ला जी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो कश्मीर में उस वक्त हुआ और जो कश्मीर की फोर्सेस, जो कश्मीरी पंडितों के रिक्वेस्ट के बावजूद फोर्सेस आगे नहीं बढ़ी, इट वॉज एक्चुअली अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। और उस कैबिनेट में मैंने देखा नेहरू जी के अलावा पटेल साहब भी थे, अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और सबसे बड़े लोग थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, एक बहुत ही एक बड़ी शख्सियत लोगों ने जो डिसीजन लिया वो उस वक्त का एक कंपल्शन होगा, बट उसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता सर। नंबर टू, जब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ कश्मीर जाता था, 1964 की बात है, 12th May 1964 सर, दैट इज़ द डे पंडित नेहरू पास्ड अवे सर, एंड आई स्टिल रिमेंबर जैसे जैसे उनकी डेथ की न्यूज़, हम लोग आफ्टरनून में था, वी वर ऑल वॉकिंग इन कश्मीर, तब डेथ की न्यूज़ आई सर, विद इन सेकेंड्स पूरा कश्मीर बंद हो गया, विद इन सेकेंड्स पूरे कश्मीर में मातम छा गई, विद इन सेकेंड्स ऐसा लगा कि कश्मीर की आबरू, कश्मीर की आत्मा चली गई। और तब हमको रियलाइज़ हुआ कि जो व्यक्ति आज चला गया है उसकी शख्सियत क्या है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शख्सियत को तो मैं सलाम करता हूँ। कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो आगे होगा वो एक 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 समय का एक बात थी, उस पर उसके लिए किसी को ब्लेम करना और किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लेम करना जिसको हम लोग सब श्रद्धांजलि देते हैं सर, मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने ये बात आज बोली। सर जहाँ तक बिल का सवाल है, मैं बिल के बारे में सेक्शन 3 के बारे में बोलना चाहता हूँ, और मगर बिल के बोलने के पहले मैं वाजपेयी जी को कोट करना चाहूँगा। जब नेहरू जी की डेथ हुई उसी के बाद जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के बारे में क्या बोला, एंड दिस इज रिकॉर्डेड सर, आई हैव अ कॉपी, जिस भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने स्थापना की उसे सफल बनाया, आज उनके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं, हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गया, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हम अपना मार्ग ढूंढना है। सर दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन नेहरू जी वॉज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओनली दिस सर, वी मस्ट इन आर कंट्री लर्न टू रिस्पेक्ट आर पास्ट, वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आर लीडर्स। सर गलतियाँ कलेक्टिवली इंडिविजुअली सबसे होती होंगी, बट टू ब्लेम समबडी आफ्टर 40 ईयर्स आई वुड से वुड बी समथिंग विच हर्ट्स ऑल ऑफ अस, नथिंग मोर देन दैट सर। आई स्टॉप एज फार एज दिस इज कंसर्न, आई स्टॉप हियर सर। नाउ एज फार एज द लीगल पॉइंट्स आर कंसर्न सर, आपने एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बनाया, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या किया सर, आपने 2 सीट्स लाए फॉर माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस पीपल, डिस्प्लेस पीपल में 90% आर कश्मीरीज, कश्मीरी पंडित। प्लीज कंक्लूड सर, अभी तो 3-4 मिनट्स ओनली, 3-4 ही मिनट हुए सर, मेरे को बोल लेने दीजिए सर, योर टाइम इज ओवर, मेरे को बोल लेने दीजिए सर। ऑल राइट, यू विल गेट इनटू द अदर टाइम, ओके गो अहेड। तो मेरा ये कहना है, आपने क्या किया उसमें, आपने जो लॉ अब अमेंडमेंट लाए उसमें जो ब्रेव हार्ट्स हैं जो बेचारे कश्मीर में रह रहे हैं उनको कोई उस एडवांटेज इस नॉमिनेशन का नहीं मिलेगा, जो लोग 89 के पहले कश्मीर छोड़ के गए हैं उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा सर। और मेरा ये भी कहना है सर कि जो लोग गए हैं और जो 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 वहाँ पर जिनके लिए हमने ये किया है, क्या क्या
वो उनके सक्सेसर इन इंटरेस्ट को भी नहीं मिलेगा। मतलब ये वन जनरेशन वन टाइम एक प्रोविजन बनाया है। आपने पीओके के जो लोग आए थे, विस्थापित हुए थे, उनके लिए जो प्रोविजन बनाया था उसमें सक्सेसर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन किया, मगर कश्मीरी पंडित के लिए प्रोविजन नहीं किया। और मेरे को सबसे बड़े दुख है जो 5-10 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं जिन्होंने सब कुछ झेला, आज भी जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, उनकी उनकी हम डर देखते हैं, समझते हैं, उनको सर उनको इस प्रोविजन का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत दुख की बात है सर। और स्पेशली वो एक बहुत ही बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसने कश्मीर में सब कुछ इतनी सब होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा सर। और दूसरी बात सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कश्मीर में जो लोग छोड़े गए थे, जो लोग वहाँ से निकले थे, उनकी संख्या भी जो बताई जाती है ऑफिशियली, वो कम बताई जाती है। मैं आज तक टीवी में सुन रहा था बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, वो कह रहे थे करीब 5 लाख व्यक्ति कश्मीर छोड़ के उस वक्त गए थे। आप कहते हैं 40,000 फैमिलीज, हम लोग कहते हैं 80-60,000 फैमिलीज, बट रियली स्पीकिंग इट वॉज अबाउट 4-5 लाख पीपल, एंड देवर नॉट ओनली कश्मीरी पंडित, देवर अदर्स ऑल्सो। और अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग समय पे गए, कुछ शुरू में गए, कुछ बीच में गए, कुछ बाद में गए। मतलब फैक्ट इज सर, कश्मीर की जो ट्रेजिडी थी वॉज इमेंस, बट आज तक उस जेनोसाइड का सर किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ सर, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार लोग गए, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया सर। आज कश्मीरियों का ये दुख है सर, इन लोगों का दुख है कि हमारे साथ इतना बड़ा जेनोसाइड इस कंट्री में हुआ, मगर आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कुछ केसेस में हुए, वो थोड़े बहुत केसेस में हुआ सर। तो मेरा ये भी कहना है कि एक कमीशन भी बैठना चाहिए। अब तो दैट इज कश्मीरी पंडित का, मैं कश्मीरी पंडित की बात कर रहा हूं। आप डिस्टर्ब करने से कुछ होता नहीं साहब, डिस्टर्ब। माननीय इस विषय पर उनको 5 मिनट ज्यादा दीजिए। मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी मांग रही है। अभी अभी समझाई है क्या? कुछ नहीं समझा है। ओके मिस्टर तनखा प्लीज। सर मेरा कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहा हूं, हम लोगों को दुख है, हम सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए, वी वांटेड एन इन्वेस्टिगेशन, वी वांटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, आज तक हमको नहीं कमीशन ऑफ ना इंक्वायरी दी गई, ना हमारे साथ कुछ किया गया सर। आज ये दुख आज हर कश्मीरी पंडित के जहन में है, चाहे देश में रहता है चाहे देश के बाहर रहता है सर। इसके अलावा सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि होम मिनिस्टर साहब हम लोग से नाराज़ हैं सर, कश्मीरी पंडितों से। ऐसा कश्मीरी पंडितों में एक इम्प्रेशन है, शायद अगर वो हम लोग ने जब भी मौका मांगा मिलने का, कई दफ़े मांगा, तो शायद वो हम लोग से नहीं मिलते हैं, ऐसा इम्प्रेशन है। मैं तो चाहूँगा कि किसी दिन कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से वो मिले और उनकी उनकी दिल की दिल बीती सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सर एक पीड़ित एक सेक्शन है। हमारे हम लोग अपने वी आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड सर जो वो आर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री। जो लोग जाते भी हैं वो टेम्प्ररी जाते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाते, जाते डरते हैं, कोई सेटल नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं करता है वहाँ पर। तो समवेयर आप जो जिस काम की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी अनईजी काम, इट्स नॉट अ काम जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पीस। तो समवेयर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज अ चांस वेयर द कंट्री द कम्युनिटी एंड द कंट्री इम्प्लोर्स के आप हम लोगों से बात करें, हम लोगों की कठिनाइयां सुने और हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें सर। इसके बाद शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगा, वहां बिजली की समस्या है, वहां एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को नहीं मिलते उसकी समस्या है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सर इन सब चीज़ों में, मैं इतना ही बताना, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारों को ये नहीं पता है कि वो किस स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी के, उनके बेनिफिट मिलते नहीं। आज उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो मिल सकती हैं एज ए यूनियन यूटी कार्डर की, वो नहीं मिलती, क्योंकि दे आर नॉट यूटी कार्डर पर से, यूटी बन चुके हैं बट यूटी कार्डर नहीं है।
तो इस तरह से बहुत सारे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए, बिजली की बहुत वहाँ कमी है, गवर्नर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत, मगर महंगी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो कश्मीर में बहुत पीड़ा है सर, कश्मीर में बहुत दुख है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, कश्मीर के दुख के बारे में और गहराई से सोचिए। कश्मीर आपका है, देश का है, था, है, रहेगा, और कश्मीरी पंडित आप लोगों को सरकार के साथ ऑलवेज खड़ा था, खड़ा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी।